आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा की ओर से आने वाली FZS125 के बारे में। जी हाँ भाई, इस गाड़ी को लेकर बहुत सारे मेरे पास कमेंट और DM वगैरह आ रहे थे कि भाई यामाहा की जो FZS है वो 125 सीसी में कब आएगी, उसकी क्या अपडेट है। तो आज इस वीडियो में हम FZS125 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं रीज़न। तो यार यामाहा के पास अभी जो है 125 सीसी की कोई भी गाड़ी नहीं है, और आप लोग जानते हैं भाई इंडिया में सेल फिगर सबसे ज़्यादा 125 सीसी की गाड़ियों की होती है, जिनमें कि भाई टॉप पे राइडर, NS125, पल्सर 125, होंडा SP, ग्लैमर वगैरह हैं। लेकिन भाई यामाहा के पास कोई भी 125 सीसी की गाड़ी नहीं है। ऐसे में जो है भाई FZS आएगी वर्जन 2 के साथ 125 सीसी में, और गाड़ी का जो प्राइस है ब्रांड वो रखेगा 1,00,000 रुपए एक्स शोरूम। जो भाई अदर सेगमेंट है 125 सीसी की अदर बाइक के, उनका भी प्राइस 1,00,000 रुपए तक का पहुंच जाता है एक्स शोरूम। तो भाई यामाहा वाले भी FZS को लॉन्च करने वाले हैं 1,00,000 रुपए में वर्जन 2 के साथ। भाई जो लुक्स आपको वीडियो में दिख रहे हैं यही सेम लुक्स आने वाले हैं 125 सीसी में। और भाई गाड़ी का जो इंजन है वो आपको 124.4 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक मिल जाएगा। ये गाड़ी आपको 12 BHP तक का पावर देगी, 11 Nm तक का टॉर्क। साथ ही ब्रांड इस गाड़ी में आपको देगा सिंगल सिलेंडर 5 स्पीड गियर बॉक्स। माइलेज जो है भाई ये गाड़ी आप मान के चलो 60+ दे देगी। स्पीड जो है भाई ये गाड़ी आपको 110 के आसपास तक का देने वाली है। भाई फ्यूल टैंक जो है इसमें आपको मिलेगा 12 लीटर तक का, और इसमें जो है भाई आपको ओल्ड वाले कलर्स एंड ग्राफिक्स मिलेंगे। भाई ये गाड़ी जो है 4 कलर ऑप्शन के साथ आएगी, रेड, ब्लैक, वाइट, स्काई। बाकी यार इसमें जो है आपको LED का हेडलाइट, LED के टेल लाइट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और इसका भाई जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन का मिल जाएगा। गाड़ी का भाई जो मीटर कंसोल है वो आपको मिलेगा डिजिटल, जिसमें कि आपको ऑरेंज या ब्लू कलर की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी भाई, जिसमें कि आपको काफ़ी बेसिक से फीचर्स मिलने वाले हैं। गाड़ी का भाई जो टैंक है उस पर आपको यामाहा का लोगो मिल जाएगा। टैंक फ्लैप पे आपको काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। भाई टैंक वगैरह पर आपको FZS की ग्राफिक्स मिल जाएंगे। ग्राफिक्स भाई आपको ओल्ड वाले थीम पे मिलने वाले हैं। गाड़ी के भाई जो पैनल्स हैं साइड वाले, वहाँ पे आपको यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इसकी भाई जो सीट है वो आपको मिलने वाली है स्प्लिट की, ग्रैब रेल्स आपको मिल जाएंगे स्प्लिट के। और इसमें जो है भाई आपको मिलेगा सिर्फ सेल्फ स्टार्ट भाई ब्रांड, इस गाड़ी में आपको किक स्टार्ट नहीं देगा। बाकी यार भाई फ्रंट में आपको मिल जाएगा टायर 100 सेक्शन का, पीछे जो है आपको टायर मिलेगा 120 से लेके 130 सेक्शन तक का, जो कि भाई टायर रहेगा ट्यूबलेस 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट में जो है भाई आपको डिस्क मिलेगी, रियर में आपको ड्रम मिलेगा। और भाई ये गाड़ी जो है ABS के साथ आएगी, लेकिन भाई जो ABS है वो ऑप्शन में हो सकता है, और ब्रांड जो है इस गाड़ी को लॉन्च कर सकता है 2024 के शुरुआती महीने में। अगर भाई आपका मन हो 125 सीसी की कोई प्रीमियम बाइक लेने की तो आप लोग इस गाड़ी का वेट कर सकते हो। बाकी यार भाई इसमें आगे आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक का फोर्क, पीछे आपको मिल जाएगा मोनोशॉक। लेकिन भाई गाड़ी की जो क्वालिटी है और भाई गाड़ी की जो टायर की प्रोफाइल है, सस्पेंशन का भाई जो मोटाई है, वो आपको 125 सीसी वाले में डेफिनेटली कम मिलेगा। भाई ब्रांड जो है इस गाड़ी में कॉस्ट कटिंग कन्फर्म है करेगा, लेकिन भाई उससे जो है आपको ही फायदा है, प्राइसिंग कम मिलेगी। तो चाहो तो भाई वेट कर लो। तो भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, साथ ही भाई जो चैनल है सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।